अच्छे हो गए। देखो आपका जो एनसीईआरटी का फिजिक्स का जो भाग चल रहा है उसमें हम पार्ट नंबर 5 आज लेकर के आए हैं। एक टाइप के प्रश्न विद्युत के खत्म हो गए, दूसरे टाइप में दो तीन प्रश्न मैं करा चुका हूँ, आज चौथा प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। तो ये 2013 और 17 बोर्ड एग्जाम में आया, पॉलिटेक्निक में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप देखेंगे निम्नलिखित विद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए प्रतिरोध आर का मान एबी के बीच विभवांतर। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो इसने वर्क दिया है, देखो इसने ये वाला आर नहीं दिया है, लेकिन यहां पर इसने इन दोनों बिंदुओं के बीच में, देखो ये है ना निशान से पहचान, इन दोनों बीच के लिए वोल्ट दे रखा है, कितना 1 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना दे रखा है 1 वोल्ट। तो सबसे पहले अब ये पूरे परिपथ में पूछ रहा है और प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो देखो जो आर का मान पूछ रहा है, जो ये आर का मान पूछ रहा है, जब हम एक ही को निकालते हैं सिर्फ एक को, तो आप सिर्फ इतने परिपथ में देखिए, ये बिंदी भी लगाई हुई है इसने, तो सिर्फ आप इतने परिपथ में देखिए और हम फॉर्मूला लगाते हैं वी बराबर आई आर से, ये वी बराबर आई आर, साउथ फिल्म की ऊपर मैंने बताया था कि आई आर बोलते हैं उसमें ज्यादातर, तो आप भूले नहीं होगे, वही फॉर्मूला है, कभी भूलोगे नहीं, मैंने फंडे बताए हुए हैं ऐसे ऐसे। तो अब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई, वी कितना है हमारा 1.0 या 1 लिख दो, लेकिन हमारा आई क्या है, आई तो पूरी धारा बहती है भाई, इस पूरे परिपथ में धारा तो यही आ रही है ना, क्या 1.5। अब देखो 0 से 0 खत्म कर देंगे तो 10/15 यानी 10/15 यानी 10/15। अब आप इसे डिवाइड कर दो, 5 × 10 और 5 × 3 = 15, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2/3। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है जो प्रतिरोध आर का मान, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब देखेंगे हम दूसरा, ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए विभवांतर पूछ रहा है, लेकिन विभवांतर कहाँ पूछ रहा है, विभवांतर तो पूरे में पूछ रहा है भाई, पूरे में, तो प्रतिरोध क्या लगेगा, पूरा लगेगा, तो तुल्य प्रतिरोध आएगा इसका, तुल्य प्रतिरोध के लिए आप क्या करोगे, ये कौन से क्रम में आ गया, इसे तो आप भूल जाओ, आप सीधा सीधा आ गया, ठीक है, आप सीधा सीधा देखेंगे तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। तो आप देखेंगे प्रतिरोध निकालेंगे 2 ओम, आर की वैल्यू क्या है, आर यानी 2/3 जो आया है, कोमा 4 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध आर ए बी लिख लो, ए बी में पूछा ना, आर ए बी है, ठीक है, तो आर ए बी बराबर इन आप डायरेक्ट जोड़ दो, श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है, 2/3 + 4, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो भाई, कितना ले लोगे, 3 3, जब आपने ले लिया तो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 12, तो ये कितना आ गया 12 और 6 = 18 और 2 = 20, 20/3 ओम आपका पूरा आ गया, ठीक है, ये तो हमारा प्रतिरोध आ गया। अब एबी के बीच विभवांतर कह रहा है ना, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, और सेकंड पार्ट जो हम कर रहे हैं, तो एबी का विभवांतर यानी वी ए बी, ये जो सापेक्ष में लिख देते हैं हम एबी, इसका मतलब है विभवांतर पूरे कहां से कहां तक है, एबी यानी पूरे परिपथ में पूछा हुआ है, तो वही फॉर्मूला लगा वी बराबर आई आर, क्या लगा वी बराबर आई आर, आई तो वही है भाई पूरे में, या यहाँ पे भी जो था मैंने बता दिया भाई, आई तो पूरे में प्रवाहित होगा, तो आप देखेंगे आई बराबर कितना 1.5 मल्टीप्लाई आर, आर कितना आया हमारा 20/3। अब हम देखेंगे जरा ध्यान से, या तो डायरेक्ट कर लो या ऐसे ही आप खुद देख लो, 15 × 30 और 1 0, लेकिन ये दशमलव से 0 खत्म हो जाएगी, 3 तो ये तो खत्म होगी भाई 0, दशमलव के बाद जो 0 होती है वो होती ही नहीं है, आपको पता है कुछ नहीं होता, कितना आ गया 10, तो कितना आ गया वी ए बी बराबर हमारा कितना आ गया 10 वोल्ट, मात्रकों का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है 10 वोल्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अब ये है पांचवा प्रश्न आपका, पांचवे प्रश्न में कहा है संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए एक तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ए व बी के बीच विभवांतर। तो देखो जरा सबसे पहला पार्ट हम करते हैं, ए और बी के बीच
मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो आप ये देखो कि बीच जो तुल्य प्रतिरोध पूछा है ए और बी पॉइंट दे दिए, तो यहाँ पर चार जुड़े हुए, इन चारों को सोल्व करना। तो ये छोटा टुकड़ा जो मैं पहले सोल्व कर चुका हूँ वही टाइप है, आप ये पकड़ोगे और आप देखोगे क्या, अगर इन दोनों पॉइंटों पर पेंसिल रख लो तो आपको ये दिखेगा तीनों जो है ये कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का क्या, सीधा सीधा फॉर्मूला। तो हम देखेंगे चित्र में क्या, एक ओम कोमा एक ओम कोमा एक ओम क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं जिनका प्रतिरोध, जिनका प्रतिरोध क्या है, आर डैश है। तो हम क्या देखेंगे, आर डैश इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन। अब तो डायरेक्ट कर दू क्यों, आर डैश बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो क्या है आर वन टू थ्री एट हो गए, ठीक है। तो कितना आ गया, तीन ओम आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है ए बी के बीच, तो पूरा पूछ रहा है, अब देखेंगे क्या, तीन ओम तथा यानी आर डैश जीरो, आर डैश तथा आर थ्री ओम यानी तीन ओम कौन से क्रम में आ गए भाई। अब यहां देखो तीनों में लगे ना, ऊपर नीचे आ गया ना, तो कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। यही प्रकार है पहचानने का, वेरी गुड। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट किया करो, ठीक है। जैसे ही आप कमेंट्स करोगे मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन या उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आप बोर्ड दो किसके रहा ए बी बिंदुओं के, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ए बी, तो आप समझ जाओगे है ए बी है पहले का आंसर आने वाला। तो एक बटे समांतर है ना, तो फॉर्मूला ए बी, ए बी से आप समझ जाओगे हमारा तुल्य प्रतिरोध ए बी के बीच आया, ठीक है। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं खासतौर से इंटर में ये ही सवाल मिलेंगे आपको, तो जैसे ही ये मिलेंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे बहुत सारे, अब वो कोई से परिपथ को जैसे अलग अलग भागों में बांट के आपसे पूछ लेगा, तो आप वहां पे भी ये ट्रिक इस्तेमाल करो ना ए बी, तो आराम से आप पता कर सकते हो भी हमने कौन से का निकाला हुआ है, ठीक है। वन अपॉन थ्री, क्योंकि आर डैश क्या, थ्री और थ्री तो है ही थ्री, ठीक है। तो कितना हो गया, टू अपॉन थ्री, अभी ने पलट दो यानी आर ए बी, सॉरी नीचे आएगा, ठीक है, आर ए बी इक्वल टू थ्री अपॉन टू, और जब इसे डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 1.5 ओम हो गया। फिर इसने सेकंड पूछा है, अब देखो सेकंड पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। आप तो ऐसी करना क्रम से फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट। सेकंड में पूछा है बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, तो बैटरी से प्रवाहित पूरी धारा, पूरी बैटरी में जो बैटरी तो यहां लगी हुई है कितने की है, 1.5 वोल्ट की है, तो I बराबर V बटे R, कहां से आया मैंने बहुत बार बताया, V बराबर IR, V बराबर IR, भूलोगे ही नहीं फॉर्मूले, तो भूलोगे नहीं, जो बच्चे फॉर्मूले भूलते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये फायदा होगा कि जो भी हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट सबसे पहले आपके पास जाएगी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। अब देखेंगे V अपॉन आर ए बी, तो V कितना है हमारा, 1.5 अपॉन R, R कितना है, R जो हमारा आया है अभी 1.5, जब इसे डिवाइड करोगे सेम है, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर की धारा आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब निकालते हैं थर्ड पार्ट, ए व बी के बीच विभांतर, अब क्या करना, ए व बी के बीच विभांतर, तो बी ए बी, बी ए यानी ए व बी के बीच पूछ रहा है, ठीक है, पूरे के बीच में पूछ रहा है, तो अब जरा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर ए बी, जो आर ए बी है तो आई कितना है, 1 मल्टीप्लाई कितना है, 1.5 हमारा ए बी वाला आया, ठीक है। तो कितना आ गया, तो बी ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 वोल्ट, वोल्ट मिलेगा कंप्लीट। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन आपका छठा सवाल, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में
संयोजित यदि जोड़ा गया है, किया गया है 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कितने ओम से 12 से पूछा है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना धारा, तो पूरे में प्रवाहित होगी 12 ओम कह दे या परिपथ में कह दे, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे जो हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, इन्हें आर वन बी कितना दे रखा 9 वोल्ट, ठीक है, और देखो आर वन 0.2 यानी क्या कर देते हैं नामकरण, हम इसे नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे आर थ्री 0.4 ओम, आर फाइव 0.5 ओम और आर वन टू थ्री फोर आएगा ना, फोर और आर फाइव कितना 12 ओम, ठीक है। हमने इनका नामकरण कर दिया, इन्हें नाम दे दिए, इनकी पहचान नहीं थी, हमने आर वन टू थ्री फोर और फाइव दे दिया, ठीक है। अब निकालेंगे प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध होगा इनका, तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध मुझे ये तो बता दो कि कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आर बराबर इनका क्या हो जाएगा, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव आ गया। आर वन कितना 0.2 0.3 0.4 0.5 प्लस 12, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो तो आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, जोड़ो 3 2 5 5 10 4 14, ठीक है, 14 और 12 1 13 यानी 13.4 ओम इसका तुल्य ओम आ गया, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, आप देखना है कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा निकालनी है, तो पूरे में निकलेगी विद्युत धारा, मैंने आपको पहले ही बताया विद्युत धारा की बात कर रहा है तो पूरे की निकलेगी, यानी जितना भी है पूरे परिपथ में, ठीक है। तो I बराबर बी बटे आर, फॉर्मूला नहीं भूलना है क्योंकि हमने कहां से लिया ये बताओ, V बराबर आई आर से हमने ये लिया है, से हमने ये लिया है, तो वही है, तो I बराबर V बटे आर, तो याद रखोगे यानी V बराबर आई आर से, तो कितना हो गया 9 वोल्ट, V कितना 9 वोल्ट और धारा कितनी है 13.4 प्रतिरोध कितना है 13.4। अब हमें 13.4 से डिवाइड करना, पॉइंट हटाओ जीरो लगा दो, तो कितना हो गया 90 बटे 134। अब हम 134 से 90 को भाग करेंगे, तो भाग करेंगे भाई ये तो ज्यादा कम बैठ रहा है, ज्यादा है तो सीधी सी बात है बचपन वाला खेल, क्या लगा 0 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे जीरो बढ़ गई, कितना हो गया 900 हो गया। तो अब हम 6 की गुणा कर लेंगे, 6 6 24 ये आपका आ गया 804, कितने बचे 6 और 9 यानी 96 बचे। अब आप देखो गौर से, ये भी कम पॉइंट हम ऑलरेडी लगाए हुए हैं तो 10 बढ़ जाए लगा लेंगे, ये लगाते हैं ना आपको सबको आता होगा ये तो डिवाइड, फिर 134 सात बार, ठीक है, सात की मल्टीप्लाई करो 134 में, तो आपका आएगा 938, ठीक है 938 आ गया, ठीक है। बस आपको दो अंकों तक ही निकालना है और ये कट गया, आपका आ गया 0.67 एम, हो गया ना सिंपल। तो प्रतिरोध के सवाल कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, शुरू से पहले पार्ट से लेकर के आप सारा पूरा विद्युत का क्वेश्चन पढ़ोगे, आप आंकिक प्रश्न आसानी से कर सकते हो, इतना सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। अभी भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करूंगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, और जिसने नहीं किया हुआ है वो कर लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और यही आपकी पॉलिटेक्निक जैसे एंट्रेंस एग्जाम में जितनों में अगर फिजिक्स का पोर्शन है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू बाबूजी।